दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं जैस्मिन की कुछ वैरायटीज के प्लांट शेयर करने वाली हूँ। तो आप खुद ही जानते हैं कि जैस्मिन में इतनी तरह की वैरायटीज होती है, तो वो ही मैं कुछ एक जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे गार्डन में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो प्लांट है वो है जैस्मिन या मोगरा। इसके तीन वैरायटीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप प्लांट के जो फ्लावर है उसकी साइज थोड़ा सा देख लीजिए। जैस्मिन के मोगरा वैरायटीज में बहुत बहुत सारी वैरायटीज होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। और इसके जो फ्लावर है वो समर का मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट फ्लावर लगता है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि मोगरा का जो प्लांट है उसमें आप अगर नर्सरी में जा रहे हैं तो जाने के बाद आप पूछेंगे ना कि मुझे मोगरे की वैरायटी चाहिए, तो वो आपको अलग अलग तरह की जो है फ्लावर दिखाएगा। और उसमें काफी वैरायटीज है। एक अभी आपने देखा, ये दूसरी वैरायटीज है। इसके फ्लावर थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, खुशबू में कोई भी कमी नहीं है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके फ्लावर भी काफी ज्यादा बड़े हैं। जो पहला नंबर पे दिखाया था ये सेकेंड नंबर है, तो आप खुद ही देख सकते हैं काफी अच्छे। यहाँ तीन फ्लावर एक साथ खिले हुए, बट ये एक एक फ्लावर भी काफी बड़ा साइज है। और मतलब प्लांट पूरा भर जाता है। मेरा ये प्लांट काफी छोटा है लेकिन काफी अच्छे फ्लावर है, और मतलब आप भगवान को चढ़ाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो खुद ही देखिए कितने बड़े साइज के इसके जो कलियां है। तो जरूर से इनको आप भी ऐड कीजिए और नर्सरी जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोगरा चूज कीजिए, इसमें काफी वैरायटीज होती है। दोस्तों, तीन नंबर का जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी जैस्मिन या मोगरा की ही वैरायटीज है, लेकिन ये सिंगल पेटल का है। अगर आप इसका कोई और नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे यहाँ पर ये मोगरा या जैस्मिन के नाम से ही जानते हैं हम इसको, तो आप जरूर से कमेंट में बताएं कि आप इसको किस नाम से जानते हैं। काफी अच्छी खुशबू रहती है और प्लांट जो है इसमें अगर फूल छोटे हैं लेकिन ये जो फ्लावर है ये काफी ज्यादा एक साथ जो है प्लांट में आ जाते हैं। तो ये मेरा प्लांट काफी छोटा है, आप खुद ही देख सकते हैं, इसी साल ही लेकर आई हूँ। इसके बाद जो हमारा फोर प्लांट है वो है हमारा कामिनी का प्लांट, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में ऑरेंज जैस्मिन। काफी सुंदर प्लांट होता है ये, और इसकी भी खुशबू तो मतलब इतनी खूबसूरत होती है, मुझे इसका खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। बस इससे आप पूजा में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो पेटल्स है जैसे फूल तोड़ने जाएंगे ना तो इसके पेटल्स जो है वो झड़ जाते हैं। तो आप नॉर्मली लगाइए इस प्लांट को अपने गार्डन में, खिड़की के पास रखिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और एक साथ जो प्लांट है वो फूलों से भरा रहेगा, मतलब जब फूल आएंगे तब एक साथ फूल आते हैं, तो जरूर से इसे भी अपने गार्डन में लगाइए। दोस्तों, पांचवा जो प्लांट है वो है नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, और इसे हम हरशिंगार के नाम से भी जानते हैं या पारिजात के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है और नीचे से ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का रहता है, बीच में डॉट भी इसका ऑरेंज है, और फूल जो है छोटे छोटे से होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा लकी या शुभ प्लांट है वास्तु के हिसाब से भी घर के। और ये जो है बारामासी का भी फ्लावर होता है, जो मेरा वाला वेराइटीज है ये बारामासी का ही है। तो आप ढूंढिए नर्सरी में ये वाली वैरायटीज, आपके सारे साल आपके जो प्लांट उसमें फ्लावर आएगा। नॉर्मली इसमें जो है आपका अक्टूबर नवंबर या सितंबर के आसपास फ्लावर आते हैं, विंटर में इसमें फूल रहते हैं, बट बारामासी वाला आपको पूरा जो साल है आपको फ्लावर देगा, तो आप इसे भी ऐड कीजिए। दोस्तों, सिक्स जो मेरा प्लांट है ये है डबल क्रैप जैस्मिन, पर ये जो क्रैप जैस्मिन है दोस्तों ये हर जगह मिलता नहीं है, और ये बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके जो फ्लावर है वो काफी बड़े साइज के होते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, मैं हाथ में लेकर भी आपको बता रही हूँ, मतलब चार अंगली के साइज का पूरा ही इसका फ्लावर रहेगा, इतना बड़ा साइज रहता है। काफी अच्छी मतलब वेराइटीज है, बट ये आपको हर जगह मिलेगा नहीं। लीव्स इसके काफी ज्यादा शाइनी रहते हैं, खुशबू काफी अच्छी रहती है। दोस्तों, सेवन नंबर पे है क्रैप जैस्मिन, इसमें किसी भी तरह की खुशबू नहीं होती है और ये सिर्फ एक दिन ही प्लांट में रहता है, मतलब सुबह खिलेगा शाम तक ये जो मुरझा जाएंगे। और ये जो प्लांट है ये इसके फ्लावर सबसे ज्यादा पूजा पर्पस के लिए यूज होता है, और दिखने में ये काफी अच्छा रहता है। आप इसको गमले में छोटे साइज करके रख सकते हैं, और अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये काफी बड़े साइज का
प्लांट जो है बन जाता है कम से कम 4 फीट या 5 फीट तक भी चला जाता है, तो उससे भी बड़ा मैंने देखा है। तो नीचे गार्डन में लगाते तो काफी बड़ा प्लांट होता है, नॉर्मली ये काफी अच्छा प्लांट है। जैसे थोड़ी देर पहले आपको डबल क्रेप जैस्मिन दिखाया था उसमें खुशबू आती थी, बट ये वाला 8 नंबर का जो प्लांट रखा है इसमें खुशबू नहीं आती है, और इसका नाम भी सेम है डबल क्रेप जैस्मिन, और ये भी हमने जो सिंगल वाला बताया उसी का ही डबल है, मतलब कोई खुशबू नहीं रहती है, लीव्स वगैरह शाइनी है, सब कुछ सेम रहता है बट इसके फ्लावर में खुशबू नहीं रहती। और ये आपको हर जगह मिल जाएगा ये प्लांट, लेकिन मैंने जो इससे पहले दिखाया था वो हर जगह नहीं मिलता है, काफी रेयर है, मेरे यहाँ काफी आसानी से अवेलेबल हो गया था मुझे। तो बस ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, ये भी काफी बड़ा हो जाता है अगर आप गार्डन में लगाएंगे तो, और गमले में आप अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं, फिर भी अगर गमले में भी रख रहे तो भी 3.5 फीट तक हाइट चला जाता है, बहुत तेजी से फैलता है ये प्लांट, और फ्लावर भी काफी अच्छा रहता है, बीच में एक येलो डॉट रहता है और मल्टी पेटल जैसा रहता है, बहुत दिखने में सुंदर लगता है पर खुशबू नहीं आती। दोस्तों नाइन्थ जो हमारा प्लांट है श्रीलंकन जैस्मिन या श्रीलंकन टगर के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी कोई खुशबू नहीं आती है, दिखने में ये नॉर्मल जो हमारा प्लांट था क्रेप जैस्मिन उसी टाइप का है, बट इसके बीच में थोड़ा सा अलग सा डिजाइन जैसा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है और काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसे भी आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर 10वां जो हमारा प्लांट है नील टगर या नील जैस्मिन के नाम से आप इसको जो है सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, काफी अच्छा प्लांट है, स्टार की तरह फ्लावर पर्पल कलर के फ्लावर खिले हुए रहेंगे आपके गार्डन में और कोई खुशबू नहीं है, नॉर्मल फ्लावर खिले हुए रहते हैं, जब फूल आते हैं तो ऐसा लगेगा बहुत सारे तारे खिल रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर 11 नंबर का जो प्लांट है वो है हमारा गार्डनिया कैप जैस्मिन या गंधराज के नाम से आप जानते हैं, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आती है और काफी बड़े साइज के फ्लावर होते हैं, तो इसे गार्डन में जरूर ऐड कीजिए, दिखने में ये काफी ज्यादा सुंदर है और इसकी खुशबू तो मतलब इतनी ज्यादा अच्छी है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा गंधराज। तो यहाँ पर मैंने 11 वेराइटीज आप लोगों के साथ शेयर किया है जैस्मिन की, तो आप अपने गार्डन में इनमें से जो भी ऐड करना चाहे उसे ऐड कर सकते हैं, ये सभी जो है समर सीजन के ही प्लांट हैं। तो बस ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।